दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान के लिए उपलब्धि है कि कुछ रहस्यों को सुलझा लिया गया है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सालों से वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। नंबर 1, पेरू का प्राचीन पत्थरों का मंदिर। पेरू में एक पौराणिक मंदिर है, साक्सेगेमन मंदिर। इस मंदिर के परिसर में बड़े बड़े पत्थरों की एक दीवार है। इसकी खास बात यह है कि सभी पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था और हजारों साल पहले ये पत्थर इतनी बारीकी से कैसे तराशा गया होगा और एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया होगा। नंबर 2, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। डेथ वैली के नाम से प्रसिद्ध इस जगह पर ढेर सारे पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमयी ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर तो ऐसे लगते हैं जैसे वो घसीटते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने का कोई सबूत नजर नहीं आता है। कुछ लोगों का मानना है कि भौगोलिक बदलाव एवं तूफान के कारण पत्थर कुछ इस तरह से मौजूद हैं। नंबर 3, मिनेसोटा डेविस वाटरफॉल। यह झरना बहुत ही रहस्यमयी है क्योंकि इस झरने में दो धाराएं ऊपर से गिरती है। एक धारा तो समान धाराओं की तरह बहती है, पर दूसरी रहस्यमयी धारा एक छेद में गिरकर कहां गायब हो जाती है, गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। इस छेद को द डेविल्स कैटल कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस छेद में आधी नदी का पानी समा जाता है, मगर यह पानी इस छेद से होकर कहां जाता है इसका राज आज तक नहीं पता चल पाया है। नंबर 4, गेट ऑफ सन बोलिविया। बोलिविया में स्थित टिवानाको नामक शहर रहस्यों से भरा पड़ा है। कहा जाता है हजारों साल पहले यहाँ एक आवाज शहर हुआ करता था। यहाँ एक दरवाजा है जिसे गेट ऑफ सन कहा जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है इस गेट की मदद से उस समय ग्रहों की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता होगा। हालांकि इसके बारे में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं पता है, इसलिए यह गेट अभी तक रहस्य बनकर रह गया है। नंबर 5, बैलेंसिंग चट्टान तमिलनाडु। बैलेंसिंग रॉक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, जो एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है। इसे देखने पर यह लगता है यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान की ऊंचाई कम से कम 20 फुट होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का माखन का मटका था जो आसमान से गिरा है। पर्यटक यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह चट्टान इतनी तीव्र ढलान पर स्थिर कैसे रह सकती है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। वैज्ञानिक भी यह पता नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी तीव्र ढलान पर यह पत्थर कैसे टिका हुआ है। दोस्तों, आपको मौका मिला तो आप कौन सी जगह जाना पसंद करोगे, हमसे जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।